हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक विद अनदर वीडियो। आज हम करने वाले हैं वर्कशीट नंबर 2 फ्रॉम यू चैप्टर नंबर 6 डे डेट एंड टाइम। इससे पहले हमने इस वर्कशीट नंबर 2 का इंट्रोडक्शन कर लिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो वो देख लीजिए, क्योंकि उसको देखने के बाद ही आपको ये वर्कशीट बहुत ईजी लगेगी, क्योंकि उसमें एक्सप्लेन किया गया है अबाउट क्लॉक। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं अब वर्कशीट नंबर 2। लुक एट द क्लॉक। आप देखिए, यहाँ पे आपको क्लॉक दिखाई दे रही है। तो जो क्वेश्चंस हैं किस टाइप के होंगे, मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ एंड देन हम वर्कशीट स्टार्ट कर देंगे। सो बिटवीन 12 एंड 1 देर आर 5 यूनिट्स। अब देखिए, द नंबर्स 1 to 12 आर मार्क्ड एट इक्वल डिस्टेंस। अगर हम क्लॉक की बात करते हैं तो जो नंबर्स हैं 1 to 12 तक, वो इक्वली डिस्टेंस पे क्या होते हैं, मार्क होते हैं। ठीक है, अब यह क्या है, बिटवीन 12 एंड 1 देर आर 5 यूनिट्स। अगर हम 12 और 1 की बात कर रहे हैं तो इसके बीच में 5 यूनिट्स होते हैं, लाइक 1, 2, 3, 4, 5। ये जो 5 यूनिट्स हैं ये क्या होते हैं, मिनट्स होते हैं। सिमिलरली बिटवीन 1 एंड 2 देर आर 5 यूनिट्स। अगर हम 1 एंड 2 की बात करेंगे तो इसमें भी 5 यूनिट्स होंगे, 2 एंड 3 की बात करेंगे इसमें भी 5 यूनिट्स होंगे, एंड सो ऑन। क्लियर? सो स्टार्ट काउंटिंग द यूनिट्स फ्रॉम द मार्क 12 एंड कम बैक टू इट एंड यू विल गेट 60 यूनिट। अगर हम काउंट करना शुरू करते हैं यहाँ से, ठीक है, इस तरीके से काउंट करते हुए जाएंगे, वापस आ जाएंगे 12 पे, तो हम जो काउंट कर लेंगे तो टोटल कितने मिलेंगे यूनिट्स, हमें 60 यूनिट्स मिलेंगे। सो दी स्मॉल यूनिट्स आर 60 मिनट्स, यानी कि ये क्या है, कंप्लीट 60 मिनट्स हैं। क्लियर? व्हेन ए मिनट हैंड कंप्लीट 1 राउंड इट मूव्स थ्रू दी स्मॉल 60 यूनिट्स एंड द मिनट हैंड टेक्स 1 आवर टू कंप्लीट दीज 60 यूनिट्स। तो अगर हम आर्स की 1 आवर की बात करते हैं तो वो कंप्लीट करती है 60 यूनिट को, देन क्या होता है, 1 आवर कंप्लीट होता है, देन 1 आवर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 60 मिनट। ये मैं इंट्रोडक्शन वीडियो में भी आपको ऑलरेडी बता चुकी थी। सो द फेस ऑफ द क्लॉक हैज 12 इक्वल बिग यूनिट ऑन इट एंड दीज बिग यूनिट्स आर कॉल्ड आर्स, यानी 1, 2, 3, 4 जो है ना नंबर्स हमारे पास 1 to 12, तो वो क्या है, बिग यूनिट है, और इन्हें हम क्या कहते हैं, आर्स में काउंट करते हैं। एंड द आर्स हैंड टेक्स 60 मिनट्स टू मूव फ्रॉम 1 नंबर टू द नेक्स्ट नंबर, यानी कि अगर हम 1 से 2 तक मूव करेंगे, 2 से 3 तक मूव करेंगे, जो आर हैंड की बात कर रहे हैं, तो हमें टोटल 60 मिनट्स पहले मूव करना होगा एंड देन हम आएंगे नेक्स्ट नंबर पे। तो अब इसी पे बेस्ड हमारी वर्कशीट नंबर 2 है। लुक एट द गिवन क्लॉक, हाउ मैनी मिनट्स विल द मिनट हैंड टेक टू मूव फ्रॉम 12 to 1। तो फर्स्ट है हमारा 12 to 1। ए पार्ट में आपसे क्या पूछा गया है, 12 to 1। अब देखिए, मैं यहाँ पे क्लॉक बना रही हूँ, ठीक है, उसी से हम सारी क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए चलेंगे। अब ये इस तरीके से क्लॉक है, जब भी आप क्लॉक बनाएंगे तो इसका तरीका होता है बनाने का, जैसे आप पहले यहाँ पे 12 लिख लीजिए, यहाँ पे 6, यहाँ पर 3 और यहाँ पे 9, देन बाकी के नंबर्स हैं जो इंसर्ट करेंगे, ठीक है, इस तरीके से। और ये हमारा सेंटर पॉइंट हो गया। अब देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, 12 to 1, यानी कि हमें क्या करना है, 12 से 1 के भी बताना है कितनी ही यहाँ पे मिनट्स आएंगे। हाउ मैनी मिनट्स विल द मिनट हैंड टेक टू मूव फ्रॉम 12 to 1। अब देखिए, 12 से 1 की तरफ मूव करना है तो कितने आएंगे, 1, 2, 3, 4, 5। हमने कहा था ना कितने यूनिट्स हैं इसके बीच में, 5। तो 12 से जब 1 की तरफ मूव करेंगे तो टोटल कितने हो जाएंगे, 5। तो हम इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं, जैसे मैं ज़ूम कर लेती हूँ इसको, ये कंप्लीट सिंगल हो गया, ठीक है, एक पॉइंट हो गया हमारा, और इसमें कितने यूनिट्स हैं, 5। तो हम लिख सकते हैं 1 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू में क्या आ जाएगा, 5 मिनट्स। ये इजी हो जाएगा जब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करवाऊंगी, आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि मैंने ऐसा क्यों लिखा है। नेक्स्ट है हमारा बी पार्ट, उसमें है 12 to 4। इससे काउंट करना काफ़ी ईजी हो जाएगा, 12 to 4 यानी 1, 2, ये हो गया 1, 2, 3 एंड 4। हमने 4 पॉइंट मूव किया ना, यानी 4 और एक पॉइंट में, यहाँ से 12 से 1, 1 से 2 में कितने कितने मिनट्स हैं, 5। तो 4 मल्टीप्लाई 5 कितने हो गए, टोटल 20 मिनट्स। आई होप आपको ये मेथड इजी लग रहा होगा। नेक्स्ट देखिए सी पार्ट, 12 to 7। अब देखिए यहाँ पे 12 to 7 की तरफ जाना है हमने, तो ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 टोटल कितने हो गए, 7। और एक मूव में कितने हैं, 12 से 1 की तरफ, 1 से 2 की तरफ, एक में कितने यूनिट्स हैं, 5। तो 5 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, सो 7 5 ज़ा 35 मिनट्स। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं डी पार्ट की। डी में है 12 to 10। ठीक है, ये जो आपको दिखाई दे रहा होगा ना कि मैंने जो किया 12 to 4 है तो डायरेक्ट 4 ले लिया, 12 to 7 तो डायरेक्ट 7 ले लिया, ये तब पॉसिबल है जब हम 12 से स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही काउंटिंग चेंज हो जाएगी, सपोज करो 6 to 7 की तरफ जाना है, तो अलग हो जाएंगे आंसर। तो इसलिए मैं सारे पहले से ही काउंट करके आपको दिखा रही हूँ। तो 12 से मूव करना है, 1, 2,
थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन, तो क्या हो गया 10 मल्टीप्लाई बाय 5, तो कितने हो गए 35 मिनट्स। 5 क्यों लिए ध्यान रखना है आपने कि इनके बीच में कितने हैं, 5 यूनिट्स हैं एक नंबर के गैप पे। नेक्स्ट है ई पार्ट, 12 टू 11 मूव करेंगे, जब काउंट करेंगे आपको 12 को स्किप करना है आपने, 1 2 3 क्यों करना है, क्योंकि 12 से क्या जाएंगे 1, तो ये 1 हुआ ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11, सो 11 मल्टीप्लाई बाय 5 इज 55 और ये क्या हो जाएगा आपका मिनट्स। क्लियर। नेक्स्ट है आपका डी के बाद ई, ए के बाद एफ पार्ट, 5 to 8। अब देखिए ये चीज़ मैं आपको बता रही थी, अब देखिए 12 से काउंट करना तो बहुत ईजी था ना, अब 5 to 8 जाना है, तो आप ध्यान रखना है अपने, तो जब भी मैंने आपको कहा है कि जब काउंट करेंगे तो 5 स्किप कर देंगे, क्योंकि 5 के बाद क्या 6 7 और 8, तो कितना हो गया 1 2 3, 3 का गैप आ गया ना, 3 मल्टीप्लाई 5 इज 15, तो इसलिए मैंने आपको इस तरीके से ही करवाया ताकि आपको बाकी क्वेश्चन करने भी आसान लगे। ठीक है, तो इस तरीके से काउंट आपने करके ही करने हैं क्वेश्चन। सो जी पार्ट, 9 to 11, अब 9 से 11 जाना है, 9 से 1 एंड 2, कितना हो गया 2 टाइम आया, 2 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू 5 ज़ 10 और ये क्या हो जाएगा मिनट्स। अब मूव करते हैं लास्ट पार्ट की तरफ एच, 3 to 9, 3 से 9 की तरफ जाना है, 3 कहाँ है हमारा ये रहा, 3 से 4 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ठीक है, अब देखिए कैसे मूव किया हमने, अब देखिए यहाँ पे आ गया 1 2 3 4 5 6, तो 6 टाइम मूव किया हमने, 6 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू में कितना आ गया 30 मिनट्स। ठीक है, इस तरीके से आपने करने हैं क्वेश्चन। सो आई होप आपको फर्स्ट क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा, नहीं आया तो एक बार इसका जो आप क्लॉक बना के खुद देखेंगे ना और खुद से इसको प्रैक्टिस करेंगे तो आप ये क्वेश्चन इजीली कर पाएंगे। सो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आए हैं, अगर आए हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मैथड कैसा लगा। सो डू वॉच माई नेक्स्ट वीडियो फॉर मोर क्वेश्चन। थैंक यू एंड बाय बाय फॉर नाउ।